Good morning, students. We are providing you online classes from our home on the behalf of St. Angels Public School, Bhopal. Students, as you know that we are studying chapter seven in science of standard eighth, cell structure and function. Students, in our previous class, we have discussed about structure of a cell. Today, we will discuss about plant and animal cell. Plant cell, padap kosika. Animal cell, jantu kosika. Although प्लांट एंड एनिमल सेल्स हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर यद्यपि प्लांट और एनिमल सेल दोनों की ही बेसिक स्ट्रक्चर सेम होती है देर आर सर्टेन डिफरेंसेस यहाँ कुछ निश्चित डिफरेंस होते हैं बिट्वीन दैम दोनों के बीच में सो लेट्स स्टडी फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट सेल स्टूडेंट्स प्लांट सेल में सेलवॉल प्रेजेंट होती है कोसी का भित्ती प्लांट सेल में ही पाई जाती है एनिमल सेल में नहीं पाई जाती साइटोप्लाज्म प्लांट सेल में ज़्यादा नहीं होते एनिमल सेल में साइटोप्लाज्म बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं लार्ज वोकल इसमें प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में एक लार्ज वोकल प्रेजेंट होती है जिसमें कि एनिमल सेल में लार्ज वोकल प्रेजेंट नहीं होती और अगर वहाँ प्रेजेंट होती है तो छोटी छोटी वोकल्स काफ़ी संख्या में प्रेजेंट होती है प्लास्टिड्स प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं यू कैन सी प्लास्टिड्स प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होते सेंट्रोसोम एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं बट प्लांट सेल में सेंट्रोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते प्लांट सेल में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एनिमल सेल स्टूडेंट जैसे मैंने बताया कि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है आप देख सकते हो इसमें कोई सेल वॉल नहीं है मीन्स एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती यहाँ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है यहाँ कोशिका झिल्ली प्रेजेंट होती है स्टूडेंट्स मैंने अभी बताया कि प्लांट सेल में साइटोप्लाज्म ज़्यादा नहीं होते बट एनिमल सेल में साइटोप्लाज्म बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स प्लांट सेल में लार्ज वोकल प्रेजेंट थी मैंने अभी आपको दिखाया था बट एनिमल सेल में वोकल छोटी छोटी प्रेजेंट होती है आप देख सकते हो वोकल्स इसमें थ्री आपको दिखाई दे रही है स्टूडेंट्स प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं बट यहाँ प्लास्टिड प्रेजेंट नहीं होते स्टूडेंट्स प्लांट सेल में सेंट्रोसोम एबसेंट थे और आप यहाँ देख सकते हो कि एनिमल सेल में सेंट्रोसोम्स प्रेजेंट है सो स्टूडेंट्स दिस वर द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेल डिविजन एंड ग्रोथ कोशिका विभाजन एवं उसकी वृद्धि द फूड दैट वी ईट लीड टू एन इनक्रीज इन साइज ऑफ द सेल फूड जो खाना हम खाते हैं वो सेल के साइज को बढ़ा देता है आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन साइज एक निश्चित साइज तक पहुंचने के बाद आ सेल इनटू बाय बाई आ प्रोसेस नॉन एज सेल डिवीजन मिस एक निश्चित साइज तक पहुंचने के बाद सेल दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है उसे सेल डिवीजन कहा जाता है इंक्रीज अ नंबर ऑफ सेल्स इन द बॉडी एज अ रिजल्ट ऑफ सेल डिवीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बॉडी में जितनी ज़्यादा सेल बढ़ती जाती है वो बॉडी ग्रोथ के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है मींस जितनी ज़्यादा सेल बॉडी में इंक्रीज होती जाएगी बॉडी ग्रोथ करती जाएगी किसी भी ऑर्गेनिज्म की सेल डिवीजन आल्सो रिप्लेस द डेड और डैमेज सेल सेल डिवीजन डेड और डैमेज सेल्स को रिप्लेस भी कर देता है जो सेल्स डेड हो जाती है या डैमेज हो जाती है अगर सेल डिवीजन बॉडी में हो रहा है तो वो उन्हें रिप्लेस कर देता है विथ न्यू वंस जो न्यू सेल्स डिवीजन होके क्रिएट हुई है एंड इज दस रेस्पॉन्सिबल फॉर हीलिंग वाउंड मीन्स जो डेट टिश्यू होते हैं उन्हें वो अलाइव करने में हेल्प करती है रेस्पॉन्सिबल हो जाती है स्टूडेंट्स लेट्स रिमाइंड इट जो हम भोजन लेते हैं वो हमारे सेल के साइज को इंक्रीज करता है बॉडी में और जब वो एक निश्चित साइज तक पहुंच जाता है तो सेल दो पार्ट्स में टू सेल्स में डिवाइड हो जाती है उन्हें सेल डिवीजन कहते हैं जितने हमारी बॉडी में सेल्स बढ़ते जाएंगे वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे सेल्स डिवीजन ऑल्सो रिप्लेस द डेड और डैमेज सेल्स और ये डेड और डैमेज सेल्स को भी जो न्यू सेल क्रिएट होती है उनसे रिप्लेस कर देती है और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो डेड टिशूज होते हैं उन्हें अलाइव टिशू क्रिएट करने में सो स्टूडेंट्स वी हैव स्टडीड completely about the cell structure and function in our next class we will study new chapter of this book